गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आर ऑनलाइन क्लासेस बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल. वी आर रीडिंग द चैप्टर 6 हेल्थ एंड डिजीजेस एंड वी आर रीडिंग द टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस टुडे. मींस संक्रामक रोगों की रोकथाम. कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. कीटाणुओं के फैलाव को और प्रजनन को रोकने के लिए एक संख्या में तरीकों को अपनाया जाता है. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ डिजीज इज बाय कंट्रोलिंग एंड ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स. सबसे अच्छा तरीका कीटाणुओं के फैलाव को और प्रजनन को नियंत्रण करना है. जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेज स्टे ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, कॉम्ब, टॉवल्स एंड टॉयज यूज्ड बाय अ पेशेंट. इस तरह के बीमारी के कीटाणु मरीज के इस्तेमाल किए हुए खिलौने, तौलिए, कंघे, कपड़ों पर ठहर जाते हैं. ऑल सच आर्टिकल्स इंक्लूडिंग द लेनिन एंड द क्लॉथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड और बॉयल्ड टू किल द जर्म्स. इस तरह की चीज़ें जिसमें लेनिन और क्लॉथ भी शामिल होते हैं, इनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, यानी असंक्रमित करना चाहिए, या इनके कीटाणु इन कीटाणु को उबालकर मार देना चाहिए. द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड विद अ डिसइंफेक्टेंट. कमरे की दीवारें और फर्श को रोगाणुनाशक स्प्रे करना चाहिए. बायोगैस इज अ वेरी यूजफुल गैस एंड यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बायोगैस एक बहुत उपयोगी गैस होती है जो ऊष्मा और विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है. इट कैन बी मेड फ्रॉम किचन वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पिल्स, शीट्स, पल्प एटसेट्रा. यह रसोई के व्यर्थ पदार्थों जैसे कि सब्जियां और फलों के छिलके, बीजों और गुदे से बनाई जा सकती है. काउ डंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड. गाय का गोबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दीज वेस्ट आर कंट्रोल्ड एंड फिल्ड इट कवर टैंक्स एंड ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे टू मेक बायोगैस. इन व्यर्थ पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है और टैंक में भर दिया जाता है और उनको ढक दिया जाता है और कुछ खास तरीकों के द्वारा बायोगैस बनाई जाती है. द गैस मेड इज क्लीन नॉन स्मेल्ड गैस. और जो गैस बनती है वो साफ होती है और गंधरहित होती है. मोस्ट ऑफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट. ज़्यादातर कीटाणु सीधे ताज़ा हवा और धूप के संपर्क में आने से मर जाते हैं. सो वेंटिलेट द हाउस वेल टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इन. तो घरों को हवादार करना चाहिए और ताजी हवा और धूप को उसमें आने देना चाहिए. एक्सपोज क्लोथ्स एंड बेडिंग टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कपड़ों और बेड को ताजी हवा और धूप समय समय पर दिखाते रहना चाहिए. अ सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जम्स फ्री वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इज एसेंशियल फॉर हेल्थ. कीटाणु रहित पीने का पानी की सप्लाई खाना पकाने के लिए करनी चाहिए. ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है. इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर अबाउट 10-15 minutes and then stored in clean and covered containers. अशुद्ध पानी को 10 से 15 मिनट तक उबालना चाहिए और उसको साफ और ढके हुए कंटेनर में इकट्ठा करना चाहिए. वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर. वाटर फिल्टर को भी पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. क्लोरिनेशन इज अ वे टू प्योरीफाइंग ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीनीकरण एक तरीका होता है जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी को पीने के पानी को साफ किया जाता है. पास्चराइजेशन इज डन सो दैट द मिल्क इज प्योर एंड सेफ. पास्चुरीकरण के द्वारा दूध को शुद्ध और सुरक्षित बनाया जा सकता है. इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क बाय बॉइलिंग द मिल्क फॉर अबाउट हाफ एन आर और मोर एंड देन इट इज कूल्ड क्विकली सो दैट द जर्म्स आर किल्ड. इससे हानिकारक जीवाणुओं को
जो दूध में उपस्थित होते हैं। दूध को आधे या एक घंटे तक उबाला जाता है और उसके बाद अचानक से शीघ्रता से इसको ठंडा किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। वी शुड कीप अवर होम एंड नेबरहुड नीट एंड क्लीन, हमें अपना घर और पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। विंडोज़ एंड डोर्स इन द हाउस मस्ट हैव प्रॉपर स्क्रीन सो दैट द इंसेक्ट एंड फ्लाइज कैन नॉट एंटर द हाउस एंड वी कैन चेक डिजीजेज। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से स्क्रीन होने चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ प्रवेश ना कर सके और हम बीमारियों को रोक सकें। किचन टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स ऑफ द हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। रसोई टॉयलेट्स और बाथरूम जो घरों में होते हैं ये अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए और नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। ऑल द रेस्टोरेंट्स होटल्स बेकरीज शुड बी नीट एंड क्लीन, सभी रेस्टोरेंट होटल और बेकरी ये अच्छे से साफ सुथरी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज फॉर टूडे, थैंक यू।